मंत्री, इनका कोई काम नहीं है वहाँ जाने का, पिकनिक मनाने जाते हैं इनका। जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री, बिना आर्थिक लाभ लिए व्यक्ति कोई काम करने वाले नहीं है। जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री, एबी त्रिपाठी के मित्र जाने जाते हैं, ये क्लासमेट है उनके, एबी त्रिपाठी एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री। हर जगह उनसे पैसा वसूलवाते हैं और पैसा वसूलने के बाद अपना शेयर लेते हैं। जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री, जो यहाँ के केपी त्रिपाठी हैं उनका बंटाधार हो जाएगा, बस इसीलिए केपी त्रिपाठी। इन्हें माल चाहिए, धन चाहिए और एसडीएम को तो धन और धर्म दोनों चाहिए। विधायक सहित जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री, ये सिमरिया जैसे पवित्र धरती को कलंकित करने आ गए हैं। विधायक सहित जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री, इन्हें जूते की माला पहना करके विदा करेंगे जहाँ के तहाँ होंगे। जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री, जब से उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है उसने तहसील छोड़ रखी है, तहसील भगवान के भरोसे है। जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री, इनके खिलाफ पता नहीं कितनी शिकायतें की और सब इनका सपोर्ट कर रहे हैं। एसपी साहब, कलेक्टर साहब, हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, विधायक सहित जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री, घनघोर अधर्मी है, ये गौशाला के नाम पर गौ हत्या का काम करते हैं। विधायक सहित जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री, जो पहले तो घोष लेता है, लोगों से बदतमीजी करता है, उसकी शिकायत करने के बाद यदि उस आदमी को कमरे में बंद करके बेड के उसके वीडियो बनाता है। विधायक सहित जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री, ये सिर्फ फर्जी बातें करते हैं, लोगों को फर्जी फंसाते हैं और ये और इनके आकाओं को हटा देंगे तब यहाँ से हटेंगे ये। नमस्कार, विराट 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, मैं हूँ स्वाति। एक बार फिर एक ऐसी खबर लेकर हाजिर है जिसमें एसडीएम और नायब तहसीलदार को हटाने के लिए क्षेत्र के लोगों ने बीड़ा उठाया है और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि विवादित एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री और नायब तहसीलदार अनुपम पांडे को हटाने के लिए क्षेत्र के पीड़ित और समाज सेवियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सोमवार से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को क्रमिक अनशन में अनुविभागीय अधिकारी नीलमणि अग्निहोत्री, नायब तहसीलदार अनुपम पांडे को तत्काल हटाने की मांग करते हुए पुष्पेंद्र द्विवेदी, अधिवक्ता राकेश द्विवेदी, अधिवक्ता काशी शुक्ला, पप्पू शर्मा, पप्पू द्विवेदी धरने पर बैठे। इस दौरान वरिष्ठ नेता प्रदीप सोहगौरा, सुंदरलाल चौधरी, दिवाकर द्विवेदी ने अनशनकारियों को माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अनशन स्थल पर आदर्श कश्यप, राजकुमार मिश्रा, एडवोकेट गंगा प्रसाद मिश्रा, एडवोकेट अजीत पांडे, एडवोकेट अजीत मिश्रा, राजेश तिवारी, वेंकट रमण द्विवेदी, अवनीत शर्मा, ईश्वर दीन सिंह, किसान नेता इस अवसर पर उपस्थित रहे। श्याम सुंदर तिवारी, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ ने अनशन का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। राजकुमार पांडे, एडवोकेट प्रमोद गुप्ता, एडवोकेट सतीश मिश्रा, एडवोकेट श्यामलाल वर्मा धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन किए। इस दौरान विराट 24 की टीम ने अनशनकारियों के साथ पीड़ितों से बात की तो एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री और तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के साथ स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी के इशारे पर उनके विरोधियों को कुचलने का आरोप लगाया है। नीलमणि अग्निहोत्री के ऊपर कई बार गंभीर आरोप लग चुके हैं। सिरमौर चुनाव के दौरान बीएमओ के साथ अभद्रता, महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट और सहयोगी कर्मचारी अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता और न्याय की गुहार लगाने पहुंचने वाले क्षेत्र के लोगों के द्वारा भी अपमानित, गलत ढंग से फैसला करने के आरोप लग चुके हैं। आइए आपको सुनाते हैं धरना स्थल पर पहुंचे लोगों ने क्या कहा है। विधायक सहित जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री, इन्हें जूते की माला पहना करके विदा करेंगे जहाँ के तहाँ होंगे। आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? क्रमिक अनशन कब तक आपका जारी रहेगा? एक क्रमिक अनशन अनिश्चित काल के लिए, इसमें हमारी जो मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है अनुविभागीय अधिकारी नीलमणि अग्निहोत्री एवं नायब तहसीलदार अनुपम पांडे को जब तक यहाँ से हटाया नहीं जाता तब तक ये क्रमिक अनशन रहे। ये कहीं आपका व्यक्तिगत विरोध तो नहीं है कि आप व्यक्तिगत विरोध से आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मेरा या सार्वजनिक आरोप है? नहीं, मेरा ऐसा कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है और ना हमारा इनकी कोई आर्मेड की लड़ाई है। इन्होंने लगातार अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी की है और यहाँ के अधिवक्ताओं को इन्होंने यहाँ तक कर दिया कि दो चार इनके जो पारिवारिक संबंध में आते हैं
उनसे आवेदन अलग अलग मंगा करके कि एक आवेदन बनाइए और नीलमणि अग्निहोत्री बहुत अच्छे हैं, वो आवेदन भी इन लोगों ने पेश किया। ये नीलमणि अग्निहोत्री जी ये यहाँ अधिवक्ताओं के साथ जिस तरह से बदतमीजी की है, पिछले बार भी जब आए थे तो श्याम किशोर शुक्ला जी एडवोकेट हैं उनके साथ बदतमीजी की है, और हम लोगों सारे अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया, उनको यहाँ से हटना पड़ा। इसके बाद इन्होंने जब यहाँ पुणे आए, इनको ये लगता है कि हमारे विधायक क्लासमेट हैं और ये दोनों लोगों के आपस में तालमेल करके बिना आर्थिक लाभ लिए तो कोई ऑर्डर होता नहीं है, और यहाँ आर्थिक लाभ इसमें ही नहीं है। जितने भी गौशालाएँ हैं, जैसे पूर्वा गौशाला है, इसमें कितना बजट आता है और उस बजट का बंदर बांट कितना हो रहा है, इसको भी देखने की बात है। हमारी मांग है कि जितनी भी गौशालाएं बनाई गई हैं उनकी उच्च स्तरीय जाँच हो, और जाँच में जो भी व्यक्ति फंसा है उसे उसको FIR हो और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। विधायक जी पूर्वा रोज काहे किए जाते हैं वहाँ पर? विधायक ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर सारे नेता वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं। गैयों की आप हालत देखिए, दो तरह की गाय वहाँ रखी गई है, एक गैया को एक तोला भूसा नहीं दिया जाता, वो जर्जर हालत में है, और जो गाय जो दूध देने वाली है उनको 150 गैयों को उनको भूसा दिया जाता है, और उनको एक एक केला खिलाया जाता है। जाते मंत्री लोग उनको एक एक केला खिलाते हैं। इतना व्यापक भ्रष्टाचार है, और ये भाजपा के सारे नेता वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं, इनका और कोई काम नहीं है वहाँ जाने का। जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री बिना आर्थिक लाभ लिए व्यक्ति कोई काम करने वाले नहीं है। मरिया में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जो हमारे राजस्व अधिकारी हैं अनुपम पांडे नायब तहसीलदार और SDO नीलमणि अग्निहोत्री जी, इनके भ्रष्टाचार से जनता पीड़ित है, इनके तानाशाही रवैया, इनके दुराचार से लोग पीड़ित हैं। तो हम लोग अब एक विकल्प के रूप में, जब शासन प्रशासन कार्यवाही इनके विरुद्ध में नहीं कर रहा है, हम लोग धरने पर विवश होकर मजबूर होकर बैठे हैं। ऐसा SDM नीलमणि अग्निहोत्री ने क्या कर दिया कि आप लोगों को धरना में बैठना पड़ा? भाई बिना आर्थिक लाभ लिए व्यक्ति कोई काम करने वाले नहीं है, है ना। तो ये क्या है कि प्रकरण में एक हमारा केस बीच में रहा, तो उस केस के दौरान हमारा प्रतिवादी पक्षकार जो है इनको 20,000 रुपया दिया था, इसकी जानकारी हमें हुई। तब से हमने प्रकरण को यहाँ से हटवाने का प्रयास किया कि प्रकरण हट जाए, पर कोई ग्राउंड मिला नहीं। मुझे ग्राउंड जब प्रकरण में मिला तब प्रकरण को पर मैंने आपत्ति लगाया। उस आपत्ति के दौरान ये हमारे साथ बदतमीजी किया, हमारे साथ गलत व्यवहार से पेश हुए, और देश पर कई अधिवक्ता साथी हमारे थे, तब इनके द्वारा अभद्र भाषा में हमारे बात की गई, और इस विषय पर हमने शिकायत सचिवालय में भेजा है, कलेक्टर कमिश्नर महोदय को भेजा है। जब कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हुई, तब मैं अपने क्षेत्रीय नेताओं से संपर्क किया, भाई हमें न्याय दिलाया जाए, हम पीड़ित व्यक्ति हैं, हमको जैसा भी हो न्याय मिले, आप सब सहयोग करें। तब हमारे क्षेत्र के भाई प्रदीप सुगौरा जी और हमारे साथी दिवाकर द्विवेदी जी, ये लोग हमारी व्यथा को सुने। इनके अलावा भी क्षेत्रीय नेता जो भी थे उनके पास बात हमारी गई, पर किसी ने सहयोग नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में हमारे दोनों साथियों ने क्षेत्रीय जनता जनार्दन को लेकर के एक जन आंदोलन समग्र लोगों का सहयोग लेकर के किया गया। इसमें KP त्रिपाठी विधायक सिमरिया की क्या अहम भूमिका? KP त्रिपाठी के मित्र जाने जाते हैं SDM नीलमणि अग्निहोत्री, क्लासमेट है ना, ये क्लासमेट है उनके। तब ऐसी स्थिति में इनको एक बार पहले हटाया गया था, वकीलों ने ही विरोध किया था, 2 महीने तक कार्यालय का बहिष्कार किया गया। कार्यालय के बहिष्कार के बाद इनको हटाया गया था उमरिया, फिर ये राजनीतिक सांठगांठ में, फिर अनुभाग सिरमौर को ही इन्होंने चुना और जानबूझ करके उन अधिवक्ताओं को टॉर्चर करने का प्रयास किया जो इनका विरोध किए थे। ऐसे अधिवक्ताओं के प्रकरण में चुन चुन करके इन्होंने नियम विरुद्ध ऑर्डर पारित किए, और उसकी कोई आज तक कोई जांच नहीं हुई। उन प्रकरणों की भी शिकायत हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों को पास कर रखे हैं। जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री जो यहाँ के KP त्रिपाठी हैं उनका बंटाधार हो जाएगा, बस इसी लिए यहाँ काहे के लिए आप आए हुए हैं? यहाँ बैठे हैं हम इसलिए, सिमरिया इलाका जो है संघर्षियों का इलाका, यहाँ न्याय कभी बर्दाश्त हुआ नहीं। ये इतिहास है कि यहाँ शास्त्री जी इतना बड़ा संघर्ष करके दिखाए हैं कि वो राष्ट्रीय नेता बने, और यहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं
वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार करवाए हुए हैं नीलमणिया की प्रक्रिया के जो भी कर्मचारी हैं हर जगह वो उनसे पैसा वसूलवाते हैं और पैसा वसूलने के बाद अपना शेयर लेते हैं। इसलिए इस इलाका के लोग नेता लोगों से पार्टी से आग्रह किया कि भाई हमको न्याय दिलाया जाए, इनका भ्रष्टाचार दूर किया जाए। इस आंदोलन से ये होगा या तो यहाँ के कर्मचारी हटेंगे, भ्रष्टाचार दूर होगा, या कि फिर अगले चुनाव में जो यहाँ के केपी त्रिपाठी हैं उनका बंटाधार हो जाएगा। बस इसीलिए ये आंदोलन हो रहा विधायक सहित जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री इन्हें जूते की माला पहना करके विदा करेंगे जहाँ के तहाँ होंगे। कल आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने आपने एसडीएम साहब के ऊपर कुछ आरोप लगाया है, उस आरोप को आप कितनी सत्यता से जांचते हैं? वो आरोप तो पूर्णतः सत्य है और मेरे सामने साक्षी बैठी है। एसडीएम तो भारी भ्रष्ट है और एसडीएम की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे भ्रष्ट एसडीएम को रखना मतलब समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधियों की आँख में पट्टी बंध गई है गांधारी जैसे, और ये निश्चित रूप से इस कलंक की कोठरी में गिर के और डूबेंगे। जनता इन्हें छोड़ने वाली नहीं है और ये सिमरिया जैसे पवित्र धरती को कलंकित करने आ गए हैं। इन्हें एक भी दिन यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, ना एसडीएम को, यहाँ तक कि ये विधायक को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी को यहाँ रखकर उसका श्रेय ले रहे हैं और सिर्फ लगता है कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं है, केवल भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है। भ्रष्टाचार के लिए इन्हें माल चाहिए, धन चाहिए और एसडीएम को तो धन और धर्म दोनों चाहिए। इसे तो इतना अभी कम कहा हूँ, इन्हें जूते की माला बनवा रहा हूँ चौधरियों से हैं, और वो जूते की माला पहना करके और वो कल हमारे सौरव जी कह रहे थे कि पिंड उंड ले करके, और इनके साथ जिन्होंने ये कृत किया है वो महिला को बैठा करके और जूते की माला पहना करके विदा करेंगे जहाँ के तहाँ होंगे हैं। और किसी सूरत इन्हें माफ नहीं किया जा सकता, ना माफ करने योग्य है। वीडियो वायरल हो चाहे जो वायरल हो, इस धरती में हम लोग पैदा हुए हैं तो इसलिए नहीं पैदा हुए हैं, कोई नपुंसक नहीं है, हम लोग मर्द हैं, इंसान हैं और सारी चीज़ें जानते हैं, यहाँ से पैदा हुए उठे। ये लड़ाई कब तक जारी रखेंगे आप? ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी जब तक ये प्रशासन बौधा मौना ये कलेक्टर 11 तारीख को हम लोग इनको ज्ञापन देने गए और हम लोगों ने कहा कि ये इतने दिन से जमे हैं, दो दो बार आए हैं, तीन तीन बार आए हैं, तो केवल भ्रष्टाचार करने आए हैं और क्या करने आए हैं? आप एक बार चले जाते हो तो दोबारा हम उन नहीं दिखाते। ये एसडीएम यहाँ आ करके डेरा जमाए हैं, एक बार अपमान करके और भगा दिया गया तो भी फिर लौट के आ गए। विधायक सहित जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री घनघोर अधर्मी है, ये गौशाला के नाम पर गौ हत्या का काम करते हैं। कब तक जारी रहेगा ये? जब तक नीलमणि अग्निहोत्री एसडीएम वो अनुपम पाड़े नायब तहसीलदार नहीं हट जाते तब तक जारी। चरमोहरा को लेके क्या कहना है आपका? कई बार विधायक ने घोषणा की, आज तक एक बूंद पानी नहीं गया उसमें। अब यदि हम आप मौके पर चले तो जरमोहरा की क्या स्थिति है? पहले जितना बना था वही धीरे धीरे करके फट गया है, थोड़ा सा डैम बचा है। अखबारों में जाने कितने करोड़ अरब की घोषणा, आज तक जो भी विधायक होता है बस घोषणा करता है, और जरमोहरा के नाम पर केवल उतने हुआ था जितना बना के कभी उमर अर्जुन सिंह ने शास्त्री जी के प्रयास से, राजमणि जी के प्रयास से जितना बना दिया था उतने बचा है, अब उसका भी आधा हिस्सा फट गया। एक पैसे का किसी तरह का कोई काम, वो पिछले 10 वर्ष से बल्कि ज़्यादा हो गया जरमोहरा भरा नहीं, किसानों को पानी मिल नहीं रहा है। हमारा पूरा पहाड़ी क्षेत्र के किसान भगवान के भरोसे हैं, यदि किसी साल बारिश न हुई तो वहाँ सूखा व अकाल पड़ना सुनिश्चित हो जाए। सिमरिया के लोगों का कहना है और ऐसा मानना है
जब तक जरोहरों में पानी नहीं आएगा तो सिमरिया में परिवर्तन होता रहेगा और विधायक टिकेंगे नहीं, टिकेगा वही जो पानी लाएगा जरमोहरा में। इसमें आपका क्या कहना है? यदि सिमरिया के लोग ऐसा सोचते हैं तो सबसे पहले दोनों हाथ उठा के सिमरिया के लोगों के आगे आगे मैं चलने को तैयार हूँ और इस नारे से बिल्कुल सहमत। यदि कोई जनप्रतिनिधि जरमोहरा के लिए कुछ नहीं करता तो उसको एक भी वोट न दिया जाए, जूते की माला पहना के उसको यहाँ से बहिरंग वापस भेजा जाए। आपका ये डर है कि कल विधायक जी यहाँ नगर पंचायत में एक जन समस्या निवारण शिविर लगाए थे, ये सुधरने का डर है क्या? बिल्कुल हो सकता है, आज तहसील खाली पड़ी है जी, कोई नहीं है, नायब तहसीलदार छुट्टी में है। पिछले एक महीना से जब से उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है SDM का, उसने तहसील छोड़ रखी है, तहसील भगवान के भरोसे है, पूरी तहसील खाली पड़ी है, किसान भटक रहे हैं, पक्षकार भटक रहे हैं, वकील खाली बैठे हुए हैं, तो भारी डर है। चार वर्षों से वो विधायक डर है, तो मैं ये कहता हूँ जी कि आप लोग पत्रकार हैं, क्या हालत थी? इस धरने को फेल करने के लिए बिजली कटवाने का प्रयास किया, पुलिस भेज के टंट उखड़वाने का प्रयास किया, फिर काउंटर में विधायक ने अपना जो फर्जी वो बांटते हैं कि गरीबों को ये सहायता मिली, आज तक 5 वर्ष में किसी को कुछ नहीं मिला, फर्जी कागज न कोई पट्टा मिला गरीब को, भूमिहीन को। तो जनता का आकलन करिए कि कल यहाँ का नज़ारा क्या था, और इतने प्रयास के बाद उनके तहसील का जहाँ सारा सरकारी अमला जुटा था भीड़ जुटाने, इसके चौथाई लोग भी वहाँ नहीं पहुंचे उनके झूठे प्रलोभन के बाद। पूर्वा में विधायक जी बोलते हैं कि सबसे बड़ी हम मध्य प्रदेश की गौशाला बना रहे हैं, तो रीवा के जितने भी मवेशी हैं सब पूर्वा में बेड़ दिए गए, और सिमरिया में किसान त्राहिमान है, हर गांव में 100 से 200 पशु घूम रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये रीवा के लिए बन रही है गौशाला, सिमरिया के लिए बन रही है, या रीवा के मवेशी बंद होना चाहिए? विधायक सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी भी घनघोर अधर्मी है, ये गौशाला के नाम पर गौ हत्या का काम करते हैं, वहाँ JCB लगी हुई है, 25-30 गायें वहीं गड्ढा खोद के रोज गाड़ दी जाती हैं, ये गौ पूजन करते हैं, कहीं गुड़ खिलाने का कार्यक्रम करते हैं, ये गौ के नाम पर केवल वोट लेने का काम करते हैं, वो गौशाला के नाम पर चाहे उत्तर प्रदेश जाइए चाहे मध्य प्रदेश जाइए, हर गौशाला में अनगिनत गायें रोज मर रही हैं। और ये विशुद्ध रूप से मैं ये कहता हूँ, मेरा आरोप है कि सबसे बड़े गौ हत्यारे यही है विधायक सहित जनता के CM नीलमणि अग्निहोत्री। ये सिर्फ फर्जी बातें करते हैं, लोगों को फर्जी फंसाते हैं, और ये और इनके आकाओं को हटा देंगे तब यहाँ से हटेंगे ये। आप यहाँ पर धरना में क्यों बैठे हुए हैं? आपको ऐसा कार्यक्रम क्यों करना पड़ा? देखिए, जब और पूरी तरह से प्रशासन निरंकुश हो जाए और गरीब की सुनवाई सरकारी कार्यालयों में न हो, बिना पैसे के, बिना ताकत के, बिना किसी की सिफारिश से गरीब दर दर भटकता रहे, तो उसको सिर्फ एक ही सहारा बचता है, जनता दरबार, जनता का एक धरना प्रदर्शन और इस तरह के रास्ते अख्तियार करने पड़ते हैं। साहेबपुर सरकी से सांसद जी भी हैं और आपके यहाँ साहेबपुर उप तहसील का संचालन होना चाहिए, तो क्या वो एक तहसील का निर्माण वहाँ पे नहीं करा सकते, या तहसील का दर्जा साहेबपुर को नहीं दिला सकते कि आज सांसद होते हुए आप लोगों को धरना देना पड़ रहा है? सांसद जी भी तो BJP के ही है ना, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है जी कि सब सहयोग से एक साथ रहो, भ्रष्टाचार कराओ, भ्रष्टाचार करो, और पूरी जनभागीदारी और पूरी ताकत के साथ जो भी उसमें हिस्सेदारी, अपनी अपनी हिस्सेदारी अपने अपने पदों के हिसाब से तय कर लो, तो सबकी एक हिस्सेदारी है। साहेबपुर सर्किल में तहसीलदार बैठना चाहिए, आज तक नहीं बैठता। साहेबपुर सर्किल में तहसील ऑफिस होना चाहिए, नहीं होता है। यहाँ पर साहेबपुर सर्किल का सबसे मध्य प्रदेश का भ्रष्टतम तहसीलदार, जो पहले तो घोष लेता है, लोगों से बदतमीजी करता है, उसकी शिकायत करने के बाद यदि उस आदमी को बुलाया गया और वो आदमी तहसील आता है तो उसको अपने कमरे में बंद करके बेड़ के उसके वीडियो बनाता है कि बोल, तो उसे मैंने पैसा मांगा, वो बोलता है साहब मांगा, तो बोलता है कि बोल कि नहीं मांगा, नहीं तो अभी मारूंगा।
ऐसी घटनाएं अभी कल तक देखने को मिली है। 12 तारीख को एक आदमी के साथ ऐसी घटना पीड़ा के एक जनप्रतिनिधि के साथ हुई। एक कब्जा का व्यक्ति है हरिजन व्यक्ति, उसके साथ इन्होंने बदतमीजी और मारपीट की और वो अर्जियां लेके थानों के अगल बगल घूम रहे, कहीं कार्रवाई नहीं हो रही। जब इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस निरंकुश हो जाए, कार्रवाई नहीं करना, विधायक ना सुने, सांसद ना सुने, जनप्रतिनिधि ना सुने, तो इस धरने के अलावा रास्ता क्या है? ये तो एक धरना एक मंच है उन गरीबों के लिए कि आपकी जब जिसकी सुनवाई नहीं होती, आप गांधीवादी तरीके से आप अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाओ, क्योंकि मेरी सरकार के साथ आवाज पर पहुँचाओ। पूर्व के दोनों विधायक सेमरिया में पुलियों का श्रेय ले रहे हैं, पर आज तक जो सेमरिया मुख्यालय को सिरमौर से जोड़ता है वो पुलिया आज तक निर्माण नहीं हो पाई, तो ये दोनों विधायक का कितना आप विकास मानते हैं? देखिए मैं एक चीज बताऊं, विकास तो ये कहेंगे कि आजादी की लड़ाई भी इन्होंने ही लड़ी। झूठ बोलने का एक तरीका है, एक झूठ बोलने का इनका एक मापदंड है, उस मापदंड को भी ये क्रॉस करके चले गए। ये आजादी की लड़ाई का श्रेय इनको चाहिए। पुलिया बनी है, किसी ने बनवाया है, ये इन्हीं ने बनवाया। जो नहीं बनी है उसमें भी चुप है, वो चाहे जब बने 30 साल 40 साल बाद वो कह देंगे मैंने ही बनवाया था। ये तो जरमोहरा को भी बोलने लगे कि मैंने ही बनवाया। अब समस्या इस बात की है कि इनसे पूछे कोई कि जरमोहरा आपके पैदा होने से पहले बन गया रहा होगा, लेकिन कहेंगे नहीं जरमोहरा मेरा है। इनको सिर्फ झूठ बोलना है, एकमात्र इनका एक ही चीज़ है। अब सिमरिया की जनता पूरी तरह से ये समझ चुकी है, इनके छलावे और झूठ में नहीं आने वाली है। ये सिर्फ फर्जी बातें करते हैं, लोगों को फर्जी फंसाते हैं और इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों की पदस्थापना कराते हैं और उनसे साथ लूट कराते हैं और लोगों के साथ अन्याय और बदतमीजी कराते हैं। आगे बात सांसद की, तो सांसद जी के तो रिश्तेदार के साथ अनुपम पांडे ने बदतमीजी की है। उन्होंने तो कल आपके माइक और चैनल में बोल के गए कि उनका हाथ पकड़ा, उनकी ओर भूसा उठा है, और जब उन्होंने कहा कि मैं सांसद जी का रिश्तेदार हूँ तब उसको मार से बचे। तो इनसे क्या उम्मीद रखते हो? इनके आदमी तो बच नहीं रहे, ये दूसरे की रक्षा क्या करेंगे? तो ये धरना ही एक आश्रय है और ये धरना तब तक चलेगा, ये इनके दिमाग में यदि कोई चीज़ बैठ गई हो, ये एक दिन बैठे हैं, दो दिन बैठे हैं, तीन दिन बैठे हैं, उठ जाएंगे और हमारी ये तानाशाही और ये लूटपाट चलती रहेगी, तो ये भूल जाएं 2023 में चुनाव है, 2023 तक धरना ये चलाएंगे, ये नहीं उठेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे, और ये और इनके आकाओं को हटा देंगे तब यहाँ से हटेंगे। ये समझते नहीं क्या? ये यमुना प्रसाद शास्त्री और राम भक्त शर्मा की धरती, यहाँ पर आंदोलन और क्रांतियों से ही लोगों को हटाया गया। जब ये निरंकुश से नहीं हट रहे हैं, उसका जो रास्ता हमें अख्तियार करना पड़ेगा गांधीवादी तरीके से करेंगे और हटा के ही मानेंगे। जब तक SDM नीलमणि अग्निहोत्री सब इनका सपोर्ट कर रहे हैं, SP साहब, कलेक्टर साहब, हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, ना चल रहा है, इससे आपको न्याय मिल पाएगा? मिलना तो चाहिए, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं हमारे के लिए ये धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हमारे कलेक्टर साहब, हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, नीलमणि अग्निहोत्री और तहसीलदार नायब तहसीलदार अनुपम पांडे का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, हमें उम्मीद है कि इस धरना प्रदर्शन से न्याय मिलेगा, क्योंकि कब तक नहीं मिलेगा ये तो यही सोचते होंगे ना कि एक दिन बैठेंगे, दो दिन बैठेंगे, चार दिन बैठेंगे, अपने आप उठ के चले जाएंगे। लेकिन ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में हमारे गुरु बाबा प्रदीप सरोवरा जी बैठे हुए हैं, और ये जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, या कि जब तक ये भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हमारे यहाँ तहसील से चले नहीं जाते, तब तक ये धरना प्रदर्शन यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और आपका भी शोषण इन्होंने किया था, इस विषय में कुछ उम्मीद है न्याय मिलेगा आपको? हमने इनकी शिकायत बहुत की और हमको कहीं से यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमने इनके खिलाफ पता नहीं कितनी शिकायतें की और सब इनका सपोर्ट कर रहे हैं। SP साहब के हाथ जांच करने के लिए आया, वो भी बस कथन लेके दबा के रख देते हैं, लेकिन हमने कोर्ट में आपका मामला कोर्ट में चल जी हमने कोर्ट में दायर किया, इसलिए हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। कहाँ तक नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं देंगे तो हम DJ साहब के यहाँ से, अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे, क्योंकि नीलमणि अग्निहोत्री भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार किया है उसको जेल भिजवा के रहेंगे, और यहाँ से नहीं तो हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। धन्यवाद।
अपने आसपास की तमाम भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।